हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टैरोट वाइब। सो गाइस, आज हम देख लेते हैं आपके पर्सन की लेट नाइट फीलिंग क्या है। ओके, आपके पर्सन कल रात में आपके लिए क्या सोच रहे थे, उनकी नाइट फीलिंग आपके लिए क्या थी। ओके सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है, सभी से रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। सो गाइस, खुद पर ज़बरदस्ती फिट ना करें, और अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और गाइस बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे गाइस मेरे सारे करंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। ओके सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन की लेट नाइट फीलिंग आपके लिए क्या थी। किंग ऑफ स्वॉर्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड, नाइस, द हेरोपेंट, थ्री ऑफ स्वॉर्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड, द एम्परर, द डेविल। गाइस, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी है। ओके, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे कंफ्यूज दिख रहे थे कल रात में। ओके सो गाइस, वो किसी तरह का एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, किसी थॉट पर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। ओके बट गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है वो जिस सिचुएशन के लिए भी सोच रहे हैं उसके लिए उन्हें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। ओके वो बहुत सारी चीज़ें इस वक्त सोच रहे हैं, एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, एक्शन ले भी रहे हैं, बट गाइस मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनकी जो भी प्रॉब्लम है वो इस वक्त सॉल्व नहीं हो पा रही है। ओके और गाइस, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा यूनिवर्स पे उन्हें बहुत ज़्यादा भरोसा है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। ओके बट गाइस, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में किसी तरह का ब्रेकडाउन आ चुका है, किसी तरह की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा ही। इस वक्त आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम दिख रही है, इश्यूज दिख रहे हैं। ओके आप दोनों के बीच में किसी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू है। ओके सो गाइस, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन किसी तरह के एक्शन को लेना नहीं चाहते, बट वो आपकी तरफ आने के लिए ट्राई कर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट उस सिचुएशन के लिए कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते। ओके वो उनके अंदर बहुत सारी लीडरशिप क्वालिटीज़ है, बहुत एक्सपीरियंस पर्सन भी दिख रहे हैं मुझे। ओके बट गाइस, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वो इस वक्त थोड़ा सा उन्हें उन्हें किसी चीज़ का घमंड है, या इगोइस्टिक कह सकेंगे हम, कि उन्हें किसी सिचुएशन को लेकर इस वक्त बहुत ज़्यादा है इगोइस्टिक बिहेवियर, वो बहुत ज़्यादा इस वक्त हैंडल कर रहे हैं। ओके जिस वजह से वो आगे एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, उनका ऐसा है कि इस वक्त मैं कुछ नहीं करूँगा। अगर आप दोनों के बीच में किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू है, तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की इस वक्त थिंकिंग फीलिंग यही है कि वो इस वक्त कोई भी आपकी तरफ एक्शन नहीं लेंगे। ओके आपकी तरफ किसी भी तरह का सॉल्यूशन लेकर नहीं आएंगे, जो भी सॉल्यूशन है वो आपको ही लेकर आना पड़ेगा, आपको ही किसी तरह का सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन ख़राब हुई है। ओके जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू है उसके लिए आपको ही एक्शन लेना पड़ेगा, इस तरह का उनका बिहेवियर दिख रहा है। गाइज एक तरह का मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इस वक्त एक तरह का इगोस्टिक बिहेवियर में है। ओके बट गाइज, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि वो आपसे चाहते हैं कि आप एक्शन ले, आप उनकी तरफ एक न्यू स्टार्ट करें। ओके एक न्यू बिगनिंग आप उनकी तरफ करें, आप उनकी तरफ जाए और यूनियन का हाथ बढ़ाए, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। ओके हम देख लेते हैं और क्या है, और कार्ड्स देख लेते हैं। गाइज आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है। ओके उनकी एनर्जी इस वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ दिख रही है, या गाइस बिल्कुल यहाँ पे डेथ की एनर्जी है इस वक्त, तो बिल्कुल ऐसा ही मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन खुद किसी तरह का आपसे रिलेटेड एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, वो
एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, बट वो चाहते हैं कि उस न्यू स्टार्ट को आप शुरू करें, आपकी तरफ से वो न्यू स्टार्ट हो, ओके, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग या जो भी इशू आप दोनों के बीच में था वो आप आकर क्लियर करें, इस तरह के मुझे एनर्जी दिख रही है, ओके. बिल्कुल गाइस, यहाँ पर मुझे वही दिख रहा है कि उनका यही है कि आप आए उनकी तरफ, आप पहले अप्रोच करें उन्हें, ओके. जो भी सॉरी है या जो भी सिचुएशन को सॉरी करना है वो आप आकर करें, ओके. वो इस वक्त इस सिचुएशन में कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, अगर आप उनकी तरफ जाते हैं तो वो बहुत ही ईजीली बहुत ही अच्छी तरह से वो हैंडल करेंगे या बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सेप्ट करेंगे. बट गाइस, इस वक्त उनकी एनर्जी यही है कि वो इस न्यू स्टार्ट को स्टार्ट नहीं करेंगे, उनका ऐसा है कि आप ही शुरू करें, आप ही फर्स्ट आप उनकी तरफ जाए, ओके. वो आपकी तरफ नहीं आएंगे, इस तरह की एनर्जी दिख रही है आपके पर्सन की. और गाइस, मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन कल रात आपके बारे में बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, ओके. बस गाइस, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बट गाइस मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि वो आपके लिए कोई एक्शन नहीं लेना चाहते. उनका ऐसा है कि वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनके लिए एक्शन ले, आप उनकी तरफ जाए, ओके. सो गाइस, हम देख लेते हैं यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके लिए. नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन. गाइज, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जो भी आपके बीच में सिचुएशन चल रही है, उस सिचुएशन में ऐसा है कि मतलब कुछ भी नहीं हो पाएगा. डिवाइन का ऐसा है कि डिवाइन का मैसेज ऐसा है कि आप दोनों को कुछ भी ट्राई करना चाहिए, ओके. अगर आप इस सिचुएशन को ज़्यादा लेट करोगे तो गाइज आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बढ़ेगी, ओके. ओके, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है गाइस. कन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में क्लियर नहीं हो रहे हैं, ओके. कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है, इस वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो रही है. तो डिवाइन का, यूनिवर्स का यही मैसेज है कि आप दोनों को कम्युनिकेशन करना चाहिए एक दूसरे से, और आपकी प्रॉब्लम इससे ही सॉल्व होगी, ओके. ओके गाइस, अगर मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ओके. और गाइस, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले. ओके गाइस, बाय.